नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज है हम सभी के लिए जो आईटीआई में अनुदेशक बनना चाहते हैं, जो आईटीआई में अपना करियर का शुरुआत करना चाहते हैं एज ए टीचर। अब उनके लिए थोड़ा सा समस्या ये आने वाली है कि हमारे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया है, और ये जो फैसला है आप देखिए, आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर देखिए देखिए क्या लिखा हुआ, 5 दिसंबर का ये न्यूज था। अभी क्या है कि थोड़ा सा हम भी व्यस्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, फिर भी आपको ये न्यूज था तो न्यूज तो बताना जरूरी है क्या हो रहा है देश में। तो यूपी कैबिनेट ने एक बैठक किया है 5 दिसंबर 2022 को, ये न्यूज है। और इसमें निर्णय लिया गया है कि जो तकनीकी शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लाया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या ये होने वाला है, तो आइए आप इसको डिटेल्स में और समझने के लिए हम एक स्लाइड को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुपूरक बजट के साथ ही कई अन्य प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPPP जिसको बोलते हैं हम लोग, मॉडल पर राजकीय पॉलिटेक्निक तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन निजी हाथों में दिया जाएगा। समझ गए? अब लिखा तो बहुत छोटे वर्ड में है, एक लाइन में लिखी गई है बातें, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है, खास करके यूपी के बच्चों के लिए। वहां पे लगभग 2000 प्लस 3000 के आसपास आईटीआई की संख्या है, प्राइवेट गवर्नमेंट, अगर केवल गवर्नमेंट की बात करें तो इतना है, प्राइवेट मिला दीजिए तो बहुत है। अब वहां पे अनुदेशकों की भारी सीटें खाली है, 10,000 के आसपास संख्या में सीट खाली है। और जितने भी आप देख रहे होंगे, अनुदेशक भर्ती जो डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर विचार कर रही है कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पे हम आईटीआई चलाएंगे तो वैसे में जो अनुदेशकों की भर्ती हम करने वाले हैं उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हो सकता है सरकार के मन में ऐसा भी एक विचार आया होगा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी विचार के चलते सरकार अभी उलझन में है कि जो भर्ती निकाली गई थी जनवरी में, 2022 जनवरी में, उसको पोस्टपोन्ड किया गया है, उसको किया जाए, भर्ती को आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, इस पर सरकार भी विचार कर रही है। तो जब बैठक में इसे पारित कर दिया गया है 5 दिसंबर को, तो फिर मुझे लगता है कि अब यूपी के जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई हैं सब PPP मोड पे चलाए जाएंगे, सरकारी आईटीआई। और उसमें जो अनुदेशों की बहाली होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया जाएगा किसी निजी कंपनी के द्वारा। पहले भी आप लोग सुने होंगे सेवा योजन के पोर्टल के माध्यम से अनुदेशों की भर्ती की जाएगी, आप ये न्यूज बहुत पहले सुने थे। अब वही न्यूज सत्य होने वाला है, उसी के अनुरूप ये चीजें चलाई जाएंगी। भले आप इसके खिलाफ में आप कमेंट करेंगे, मुझे पता है आपको लगेगा दिल को तसल्ली के लिए कुछ भी बोले, लेकिन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है तो इस पे आगे मनन किया जाएगा, आगे इस पे काम किया जाएगा। और इसी के तहत अब जो उम्मीद लगा के आप लोग बैठे थे कि सरकारी जॉब आने वाली है, ये होगा तो शायद अब नहीं आएगा, जो पुराना आ चुका है तो शायद उस पे भर्ती ले लिया जाए। जो जनवरी में जो भर्ती निकाली गई थी या 16 और 15 में जो भर्ती निकाली गई थी, उन सभी भर्तियों को हो सकता है पूरा कर ले जाए, इसके बाद अब नेक्स्ट भर्ती शायद डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर डायरेक्ट भर्ती नहीं करेगी, किसी निजी कंपनी के द्वारा भर्तियां की जाएंगी, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे हैं। अब इसमें जो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को सही करने के लिए कैबिनेट ने ऐसा कदम उठाया है, तो आगे हम देखते हैं कि तकनीकी सेवा गुणवत्ता सही होता है कि और खराब होता है, अब देखने वाली बात है, आने वाला समय बताएगा। और उम्मीद यही है कि जो भी जिसको भी ये जिम्मेदारी दिया जाएगा, बड़ी कंपनी हो, अच्छे लेवल के प्राइवेट सेक्टर में उनका पकड़ हो, बढ़िया तकनीकी ज्ञान हो, वो लोगों को दिया जाए और वो लोग आईटीआई के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाए। दूसरा, इस पे गलत प्रभाव और पड़ने वाला है, ये है कि इसमें अब जो सरकारी आईटीआई से करने वाले बच्चे 2,000 रुपये में 3,000 रुपये में आईटीआई कर लेते थे, अब ये बढ़ के कम से कम 20,000 रुपये के आसपास ये पहुंचने वाला है डेटा, ठीक है ना। 20,000 रुपये तक इनको खर्च करना पड़ेगा आईटीआई करने के लिए अब सरकारी से। तो वैसे में जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनको समस्याएं हैं पढ़ने लिखने में, जिनके पास पैसे की अभाव है, वो शायद 20,000 रुपये ना इकट्ठा कर पाए। तो मेरा आग्रह है सरकार से, या सरकार जरूर इनके लिए कोई विकल्प तैयार करेगी, मतलब स्कॉलरशिप दे, या इनके इनके लिए और भी कोई सीटें रिजर्व करे, ऐसा कुछ सरकार कदम उठाए तो ज़रा बेहतर होगा कि उन बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा।
और खासकर आईटीआई एक बहुत मूलभूत सुविधा था उन बच्चों के लिए जो गांव से थे, जो मजदूर के बच्चे थे, जो किसान के बच्चे थे, जिनके पास पैसा का अभाव था, उनके लिए एक बेहतरीन ये कोर्स था। शायद ये कोर्स पे अगर सरकार अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं किया तो ग्रहण लग सकता है। तो यही एक न्यूज़ था जो आपको बताना था कि ये हो चुका है, और आप तसल्ली रखिए और आराम से और कहीं वैकल्पिक विचार कीजिए अगर आप अभी भी अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल बने रहिएगा, जो भी भर्ती निकाली गई थी उसको शायद सरकार पूरा कर ले, लेकिन इस पे भी संशय बरकरार है। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी तमाम उलझने हैं, नेताओं के चक्कर में ना पड़े। मतलब सीटीआई में जो कुछ लेता नेता हो गए वो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है ना, उनके चक्कर में ना रहे और अपने काम पर ध्यान दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले न्यूज में, अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।